बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना देश छोड़कर फिलहाल भारत में है। वहीं बांग्लादेश में सेना के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन करने की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को सत्ता से हटाने के बाद राजधानी ढाका में कर्फ्यू खत्म हो गया और हालात सामान्य हो रहे हैं। बांग्लादेश में बने हालातों के बीच भारत सरकार भी बांग्लादेश संकट पर नजर बनाए हुए है। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। बांग्लादेश में हिंसा के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया है। साथ ही देश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है। मंगलवार को बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने 3 बजे तक संसद भंग करने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अंतरिम सरकार के लिए नामों का प्रस्ताव देंगे। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ पिछले 2 महीनों से जारी प्रदर्शन में सोमवार यानी कल जमकर हिंसा हुई। इसके बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और वह ढाका से कल शाम दिल्ली पहुंची। भारत सरकार का बांग्लादेश में हिंसा और शेख हसीना पर क्या रुख है, इस पर भी आगे करते हैं बात। पहले बात करते हैं उस नाहिद इस्लाम की, जिसने बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। बांग्लादेश में जिन विरोध प्रदर्शनों के चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, उनके पीछे नाहिद इस्लाम का नाम बताया जा रहा है। नाहिद समाज शास्त्र का छात्र है और एक छात्र नेता है। बांग्लादेश के युवाओं में नाहिद इस्लाम की अच्छी पकड़ है। नाहिद इस्लाम ने शुरुआत में आरक्षण के विरोध में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और बाद में इसी आंदोलन के चलते बांग्लादेश में सरकार गिर गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मंद पड़ चुके आंदोलन नाहिद इस्लाम की एक अपील पर हिंसक हो गया। अंत में मजबूर होकर शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भी बांग्लादेश भी छोड़ना पड़ा। चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश और शेख हसीना को लेकर भारत के एक्शन प्लान की। बांग्लादेश में जारी हिंसा और सियासी उठापटक को लेकर भारत सरकार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार ने बताया कि वह बांग्लादेश की स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं को बताया कि बांग्लादेश में स्थिति इतनी खराब नहीं है कि अपने नागरिकों को वहां से निकालना पड़े। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में केंद्र सरकार ने बताया कि भारत बांग्लादेश में हर स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है और आगे जो भी स्थिति होगी उसके बारे में विपक्ष को बताया जाएगा। सरकार ने बताया कि बांग्लादेश से करीब 8,000 भारतीय स्टूडेंट वापस आ गए हैं और बाकी लोगों को निकालने की अभी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि अभी शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि भारत आने के बाद से पीएम हसीना सदमे में है। सरकार बात करने से पहले उन्हें कुछ समय दे रही है, वे भविष्य को लेकर खुद फैसला लेंगी। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में मौजूद भारतीय समुदाय की रक्षा के लिए वहां के आर्मी चीफ से बात की गई है। राज्यसभा में बांग्लादेश की स्थिति पर बयान देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, हम वहां मौजूदा भारतीय समुदाय से लगातार संपर्क में हैं। बांग्लादेश में करीब 19,000 भारतीय हैं, जिनमें से 9,000 छात्र हैं। कई छात्र जुलाई में भारत लौट आए थे। हम अल्पसंख्यकों के नजरिए से भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। फॉर दिस एस्टैब्लिशमेंट्स वी लुक फॉरवर्ड टू द नॉर्मल फंक्शनिंग वंस द सिचुएशन स्टेबलाइजेस। चेयरमैन सर, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you. Bangladesh mein bane halaton ke beech Bharat Bangladesh border par suraksha vyavastha ko bada diya gaya. भारतीय जवान हाई अलर्ट हैं। वहीं बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी और अन्य कमांडर कोलकाता पहुंच गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन इस तनाव के बाद भारत के खिलाफ भी काफी विरोध हो रहे हैं और इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां बढ़ावा दे रही है। वहीं सर्वदलीय बैठक में आमतौर पर लगभग हर मुद्दे पर सरकार के साथ तकरार रखने वाले विपक्ष इस बार पूरी तरह से सरकार के समर्थन में खड़ा है। इस मुद्दे पर हमारी आगे भी रहेगी नजर। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, नई अपडेट के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।